फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आप सबको बताऊंगी कि एक छोटी अलमीरा में कैसे हम बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और उसको सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सेट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको एक एक सेक्शन करके मैं खाली करूंगी, क्योंकि मैं पूरा अगर एक साथ खाली कर दूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ऑर्गेनाइज करने में। तो मैं एक एक सेक्शन इसका खाली कर रही हूं। मेरी सारे बैग्स भी यहाँ से सारे हटा दूंगी ताकि मैं ये गेट अच्छे से क्लीन कर पाऊं। और मैं आपसे की मदद से एक बार इन सारे गेट्स को क्लीन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरीके की कुछ पेपर की लाइनिंग्स अपनी अलमीरा में नीचे लगाने के लिए यूज की हैं, जिससे अलमीरा ऑर्गेनाइज्ड भी लगती है और क्लीन भी लगती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सा सामान कैसे कैसे रखा है। देखिए, ये हैंगर में थोड़े कपड़े मैसी लगते हैं, बट अभी क्या होता है कि नीचे सारे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते हैं, अलमारी छोटी है। तो मैंने उनके जो भी न्यू टॉप्स हैं वो ऐसे इस तरीके से दो पार्टीशन करके हैंग कर दिए हैं। ये जो पार्टीशन है ये मेरी बड़ी बेटी का है और ये छोटी बेटी। फ्रेंड्स, मेरे दो डॉटर्स ही हैं, तो लड़कियों के कपड़े वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी मैसी हो जाते हैं, क्योंकि सब टॉप्स की, सब कपड़ों की डिज़ाइन अलग अलग होती है। और मैंने देखिए यहाँ पे उनके कुछ डेली यूसेज के टी शर्ट्स रख दी हैं। ये मेरी बड़ी, मैंने अपनी अलमीरा को दो सेक्शन में बांट दिया है। ऊपर के दो सेक्शन मैंने अपनी बड़ी डॉटर के लिए रखे हैं और नीचे के मैंने छोटी डॉटर के लिए, क्योंकि मेरी जो छोटी डॉटर है उसकी हाइट है कम, तो वो आराम से अपने नीचे खुद से अपने कपड़े जैसे निकाल सकती है, इसलिए मैंने उसको नीचे के सेक्शन दिए हैं। और ये देखिए, अलमीरा में एक्स्ट्रा स्पेस करने के लिए मैंने एक ये ऑर्गेनाइजर हैंग किया है। ये ऑर्गेनाइजर मैंने अमेजोन से परचेज किया हुआ है। देखिए, इसमें मैंने उनके डेली के पैंट्स, ट्रैक्स, कुछ स्कर्ट्स, शॉर्ट्स रखे हैं। और ये नीचे के दो सेक्शन मेरी बड़ी डॉटर के कुछ डेली के पैंट्स हैं, लेगिंग्स हैं और जैसे शॉर्ट्स हैं, स्कर्ट्स हैं, ये इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अलमीरा के दोनों डोर्स पे मेरी डॉटर्स को एक्चुअली पर्सेस का बहुत शौक है, तो अलमीरा के दोनों डोर्स पे मैंने उनके पर्सेस हैंग किए हैं जो वो डेली में यूज़ करती हैं यहाँ वहाँ जाने के लिए। और ये देखिए, ये जो फर्स्ट ड्रॉवर है ये मेरी बड़ी बेटी का है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ये देखिए, मेरी डॉटर को एक्चुअली इंडियन वेयर बहुत पसंद है, तो कुछ ये बीच का सेक्शन मैंने उसकी कुर्तीज के लिए, एथनिक वेयर्स के लिए रखा हुआ है। और ये है उनकी जो पैंट्स जो वो कभी कभी पहनती है से यहाँ पे। और ये जो सेक्शन है वो उसके नाइट ड्रेसेस का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है उनके उसके कुछ टॉवल्स वगैरह रखने का सेक्शन। इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ नीचे का सेक्शन। ये सेक्शन है मेरी छोटी बेटी का और आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है। यहाँ पे उसके कुछ जंप सूट्स, फ्रॉक्स वगैरह रखे हैं मैंने। यहाँ पे कुछ डेली के लॉन्ग टॉप्स हैं, ये शॉर्ट टॉप्स हैं और यहाँ पे मैंने उसके कुछ फुल स्लीव्स के टॉप्स रखे हैं। और ये जो लास्ट सेक्शन है वो भी मेरी छोटी बेटी का ही है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने उसके कुछ नए स्कर्ट्स, पैंट्स वगैरह रखे हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया उनको एथनिक वेयर बहुत पसंद है, इंडियन वेयर, तो यहाँ पे उनके कुछ कुर्तीज़, प्लाजोज हैं। और यहाँ पे उसका नाइट ड्रेस का सेक्शन है और कुछ इस तरीके के बास्केट्स में मैंने उसके इनर वेयर्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, सॉक्स और बाकी इनर वेयर्स हैं। और इस ड्रॉवर में मैंने अपनी बड़ी बेटी के इनर वेयर्स कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स में मैंने सेट किए हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और ये छोटा ड्रॉवर है, इसमें उनके कैप्स, हैट्स और गॉगल्स वगैरह जो उन्हें बाहर जाने पे चाहिए होते हैं मैंने रखे हुए हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मेरी अलमीरा ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। तो गाइस, चलिए मैं चलती हूँ मैं अपने इन विंटर्स के कपड़ों को अपनी जगह पे रखने के लिए। और अगर आपको मेरा ये आज का छोटा सा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए, अब कल मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक